आप देखिएगा। ठीक है ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब देखिए जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे बात करते करते देखिए दो सीटें और कम हो गई हैं, महागठबंधन 96 एनडीए 137। नहीं समीर, एक बात मुझे सचमुच थोड़ा सा आश्चर्य होता है और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ जी। भारत में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने का चुनाव आयोग लगातार ये काम कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। हाँ। दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, दुनिया में भारत के चुनाव आयोग से लोग आते हैं, भारतीय चुनाव आयोग में आकर उस प्रक्रिया को देखते हैं और चुनाव के वक्त अगर राजनीतिक दल भारतीय चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। नहीं तो वो हुआ ना, वो देखिए हुआ ना, उदित राज ने कह दिया कि भाई अगर ईवीएम से चुनाव कराए जाते अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप हारते थोड़ी। मैं दरअसल इसीलिए कह रहा हूँ कि ये उदित राज का बयान दे देना या फिर प्लूरल्स पार्टी की प्रिया पुष्पम प्रिया क्या नाम है जी, किसी पुष्पम प्रिया कर नहीं पाई। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम फिट कर दिया गया है कि उनके सारे वोट वहां चले जा रहे, प्लूरल्स को कौन समझ पाएगा बिहार में, प्लूरल्स को वोट देने कौन जाएगा। और विवेक जी भी इस तरह की बात करेंगे तो ये दिखाता है कि आप हताशा की अवस्था में नहीं, नहीं। देश की संस्थाओं पर सवाल खड़ा शुरू कर, संस्थाओं पे नहीं भारतीय जनता पार्टी पे आप सवाल खड़ा कीजिए। बिल्कुल आप यही बात है मेरे समझ में नहीं आती है, मतलब आप हारेंगे तो ईवीएम में गड़बड़ी, जीतेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं। जो पोलिंग एजेंट्स हैं पार्टियों के मुस्तैदी सर हैं वहां पे, इसमें क्या बुराई है। चुनाव आयोग बता चुका है कि अभी तो बहुत से वोट गिने जाने, वो तो मैं भी कह रहा हूं। आप इस तरह की बात अगर करने लगे कि देखिए आप चले जाइए, ऐसा देखिए हर पार्टी धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।